और अब खबरें विस्तार से आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पद पर बने रहने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान ये बैठक प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, सीएम अशोक गहलोत, कार्यकारिणी सदस्य सहित तमाम विधायक, मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दशरथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दशरथ, जानना चाहेंगे, कांग्रेस में लोकसभा के हार के बाद महामंथन जारी है, तो वहीं राहुल गांधी के इस्तीफे वापस लेने को लेकर भी आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बैठक तकरीबन 2:30 बजे पीसीसी मुख्यालय में शुरू होगी। सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इस बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम जो एमएलए है उनको इसमें न्योता दिया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम लोग मौजूद रहेंगे और खास तौर पे एक सिंगल लाइन का जो प्रस्ताव है वो खास तौर पे पारित कराया जाएगा इस बैठक में, जिसमें राहुल गांधी का जो इस्तीफा है वो स्वीकार किया जाएगा और वो उनको पार्टी के पद पर बना रहने के लिए कह सकते हैं प्रस्ताव के माध्यम से कहा जाएगा। प्रियंका जी, दशरथ बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता जयपुर से दशरथ सिंह फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का महामंथन तो जारी है, तो वहीं आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की भी बैठक बुलाई गई है। ये बैठक महामंथन हार के मंथन के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के वापस लेने की मांग है। उनसे कार्य यहां पर इस बैठक में कार्यकारिणी सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे आवेदन करेंगे कि आप अपने पद पर बने रहे, साथ ही सिंगल लाइफलाइन की भी यहां पर प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा ताकि राहुल गांधी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहें।